दोस्तों ये है 2024 मॉडल महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 सबसे टॉप मॉडल, वो भी माफिया गाड़ी, ब्लैक कलर है भाई। बाहर खड़ी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, तो बारिश हुई थी रात में, तो थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हुआ है उसका, आप टेंशन मत लो। इसकी नाक है जहाँ से ये सांस लेता, एयर लेता है, ठीक है। इसकी यही चीज़ जो है ना, थोड़ा खूबसूरती इसकी बढ़ा देती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको डाउन पेमेंट भी बताएंगे कि 1 लाख में कि 2 लाख में कितना डाउन पेमेंट भर के आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम है दोस्तों यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यह है महिंद्रा का शोरूम भाई, मीत एसोसिएट सुल्तानपुर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महिंद्रा का शोरूम है। और ये रही भाई गाड़ी, अब साइड प्रोफाइल से आप देख लो, स्कॉर्पियो S11 है, S भी आती है, ठीक है, बेस वेरिएंट आता है, टॉप मॉडल है ये सबसे। तो चलिए सबसे पहले टॉप में यहाँ पर आपको न्यू शेप में टॉप, और बेस में यहाँ पर आपका नया शेप में महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पर आपका ये क्रोम मिल जाएगा इस तरह से, क्रोम फिनिशिंग 6 लाइन में यहाँ पर आपको मिलता है। नंबर प्लेट यहाँ पर आएगा, और बम्पर फ्रंट पे डुअल टोन फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका ये फोग लैंप दी गई है, यहाँ पर DRS आपको मिल जाते हैं इस तरह से, फोग लैंप की जगह ये भी ज़बरदस्त काम करता है, ये बल्ब है, ये आपका LED में रहेगा। यहाँ पर दिया गया है ब्लिंकर यानी इंडिकेटर, यहाँ पर आपका हेलोजन बेस पे बल्ब है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर पे, यहाँ पर भी हेलोजन है, यहाँ पर DRL है, वो भी डायमंड में ग्लिटर डिजाइन पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो लाइट जो है ज़बरदस्त है भाई, यहाँ पर अगर आप तीनों लाइट ऑन कर दोगे ना तो समझ लो कि रोड पर एकदम चमाचम लाइट रहेगी। ये देखो आप इस साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़, ये आप पर क्रोम, और यहाँ पर भी क्रोम मिलेगा साइड पे, ये चीज़ से थोड़ा सा खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी आप देखते हैं, ये देखिए एक नंबर की यहाँ पर लाइट मिल जाती है। तो ये रहा इसका फ्रंट का बम्पर और फ्रंट का लुक। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वाशर दिया गया है और 2 वाइपर मिल जाते हैं, बाकी एंटीना फ्रंट पर मिलेगा, ग्लास इस तरह से रहेगा सामने का, और ORBM यहाँ पर आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ब्लिंकर्स यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका ये सिल्वर फिनिशिंग रहेगा। अब यहाँ पर भाई सबसे टॉप मॉडल की पहचान है इसकी डायमंड कट की एलॉय, और इसकी जो एलॉय है यहाँ पर आप देखते हैं ज़बरदस्त भाई, इसमें आपको 5 डंडे मिलेंगे, वो भी डायमंड कट पर रहेगा। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जा रहा है, ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ। साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो साइज़ इसमें मिलने वाली है 235x65 का टायर है, और 17 इंच की यहाँ पर आपको डायमंड कट में एलॉय मिल जाती है। सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरह से मिल जाता है, और यहाँ पर इसकी चेसी भी अंदर देखते हैं, मडफ्लैप यहाँ पर है, फुटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। अब उसके बाद साइड प्रोफाइल देखते हैं, डुअर का गार्निश नीचे जो है यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग के साथ, सिल्वर में ही 3D वाले स्कॉर्पियो की यहाँ पर आपको बेजिंग मिल जाती है ज़बरदस्त भाई, और फुटरेस्ट भी नए एक नंबर का यहाँ पर भी इस तरह से मिल जाएगा। अब डुअर का जो हैंडल है वो आपको बॉडी कलर पर ब्लैक पर मिल जाता है, चारों हैंडल इस तरह से, ये आप देखते हैं पूरा ब्लैक फिनिशिंग मिलने वाला है। और रूफ़ जो है ये इस तरह से आपको रूफ रेल भी मिल जाती है इस तरह से देख सकते हैं। और रियर में आपको ड्रम मिलेगा भाई, देख सकते हो आप, बाकी 17 इंच का रहेगा डायमंड किट के एलॉय। और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से पूरा लुक देख सकते हैं, टायर काफ़ी गजब के रहेंगे, 60 लीटर डीजल आएगा इस गाड़ी में। और अब चलिए रियर प्रोफाइल्स हम आपको दिखाते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है भाई, देखो क्लासिक S11 ज़बरदस्त मॉडल का यहाँ पर बैजिंग दिया गया है। तो ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये अलग से लगवाया गया है, बाकी यहाँ पर आप चाहें तो लगवा भी सकते हैं, और बिल्कुल शोरूम फिटिंग किया गया है, और ऐसा लग नहीं रहा कि बाहर से लगा, ठीक है, तो आप चाहें तो लगवा भी सकते हैं, बाकी आप जब खरीदेंगे तो लगा नहीं रहेगा, अलग से आपको लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहेगा वाइपर वाशर, और यहाँ पर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये है टॉप मॉडल। अब पूरा लुक जो है वो पीछे से इस तरह से आप ले सकते हैं, ज़बरदस्त माफिया गाड़ी भाई है ये। और यहाँ पर आपका फुटेज कुछ इस तरह से, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, 2 रिवर्स सेंसर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर दिया गया है, और यहाँ पर आपको DRL मिल जाएंगे, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है, ये आपको DRL रिवर्स लाइट यहाँ पर दिया गया है, बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई, डबल स्पीकर, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पर देखिए इसका जो हैंडल है काफ़ी गजब का है, डुअर का लीवर है, और यहाँ पर आप देखते हैं सीट को फोल्ड कर दी गई है, तो इतना तगड़ा बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जा रहा है इस तरह से आप देख सकते हैं, 460 लीटर का सीट खुली रहे पे इस पर आपको मिलेगा बूट स्पेस, ठीक है। इस तरह से इंटीरियर देखो आप, अब ऊपर देखते हैं यहाँ पर LED वाले DRS लाइट दिए गए हैं, रीडिंग लाइट, और ये रहा इसका पूरा इंटीरियर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सीट आप देख सकते हैं फोल्ड की गई है, तो इस तरह से आपको डोर भी मिल जाता है, तो काफ़ी गजब की गाड़ी मिलने वाली है। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं सेकंड रो में क्या क्या मिलता है, तो इस तरह से आप देखिए सबसे पहले इसका डुअर, तो डुअर का जो हैंडल है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, फैब्रिक वाले यहाँ पर इस तरह से मिल जाते हैं आर्मरेस्ट, और ये आपका चारों पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर भी कोई चीज़ रख सकते हैं, डुअर का लीवर है,
बॉर्डर रख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक, और यहाँ पर इस तरह से डुअल टोन फिनिशिंग के साथ इसका डोर रहने वाला है। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हैं, बाकी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, सबसे ज़बरदस्त चीज़। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका हैंडल डोर वगैरह, यहाँ पर रीडिंग लाइट दो दो दी गई है, हैंडल यहाँ पर दिया गया, हैंडल यहाँ पर भी दिया गया है, ये आपका फिक्स रहेगा। और स्पेस की बात करें तो भाई 7 सीटर कार है, एकदम ज़बरदस्त। और अब चलिए फ्रंट दिखाते हैं, यहाँ पर आगे का लुक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रीमियम चीज़ यहाँ पर ये आपको दिखने वाली है, चारों पावर विंडो ऑटो कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक कर सकते हैं, डोर का लीवर, स्पीकर, और यहाँ पर स्पेस इस तरह से मिलेगा, बोतल का स्पेस यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी क्लच ब्रेक एक्सेलेटर का ऑप्शन यहाँ पर है, सीट आपको एडजस्टेबल मिल जाती है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप ये पीछे कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एसी वेंट, हैंड ब्रेक, और यहाँ पर आपको 6 गियर की गाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे खास चीज़, यहाँ पर देखिए वुडन फिनिशिंग यहाँ पर मिलेगा, 12 वोल्ट की सॉकेट है, स्टार्ट आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर, हैजार्ड स्विच यहाँ पर दिया गया है, एसी यहाँ पर आपको मिल जाती है भाई, एसी आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट दिया है, सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। और उसके बाद यहाँ से म्यूट कर दीजिए, और ये देखिए आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो मिल रहा है, समझ लो कि ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल रहा है इसके अंदर, ये समझ लो बहुत ही गजब की बात है भाई। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो लिखा मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एसी वेंट डुअल टोन फिनिशिंग के साथ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये रही इसकी चाबी, चाबी कुछ इस तरह से मिल जाती है, ये देखो आप यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये आपका अनलॉक अनलॉक लॉक, और यहाँ पर ये लाइट का दिया गया, यहाँ से चाबी लगेगी और इस तरह से जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा भाई। अब हम आपको दिखाते हैं इसके और फीचर्स, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, और ये आप देखेंगे तो लेदर फिनिश है, और यहाँ पर ग्लोसी फिनिशिंग रहेगा, महिंद्रा का बेजिंग है, एयरबैग आपको 2 मिलेंगे इस गाड़ी में, और यहाँ पर सोर्स वगैरह यानी कि इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होगा। और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में MID है दोनों साइड पे, यहाँ पर आप देखते हैं RPM है, ये आपका स्पीड 180 टॉप स्पीड है, लाइट यहाँ पर ऑन की गई है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको मिलेगा, तो म्यूजिक सिस्टम बहुत तगड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पर एसी वेंट देख सकते हैं, और इसका जो डैशबोर्ड है वो भी आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, SRS के एयरबैग मिलते हैं जो कि अधिकतर सभी कारों में मिलता है, ग्लोव बॉक्स इस तरह से मिलने वाला है, स्कॉर्पियो की बैजिंग है, पूरा इस तरह से इंटीरियर देख सकते हैं, यहाँ पर आप गॉगल्स वगैरह रख सकते हैं भाई, और ये आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन है, मिरर के साथ है, यहाँ पर आपका सैंपल रहेगा, IRVM यहाँ पर दिया गया है, आर्मरेस्ट यहाँ पर मिलेगा यानी कि इसके सीट में एडजस्ट है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जैसा आप चाहें वो, अब ये फिक्स है, ये आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है दोनों लोग के लिए। रीडिंग लाइट यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाती है, बाकी चाहे तो LED भी लगवा सकते हैं, और स्पीकर वगैरह स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर भी डुअल टोन फिनिशिंग मिलने वाली है, तो 6 गियर है। और अब इसका इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन आपको मिल जाएगा इसके अंदर भाई, तो इंजन भी हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको कितना किस टाइप का इंजन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रंट चलते हैं और इंजन देखते हैं कि इंजन कैसा रहता है। और भाई हाँ, बिल्ड क्वालिटी सबसे तगड़ी, ये देखिए आप इंजन सबसे पहले इसके अंदर भाई तगड़ा इंजन दिया गया है, अगर इतना भारी इंजन है कि पूरी गाड़ी भरी है, देखो आप पूरा इस तरह से। और यहाँ पर बैटरी भी अमरॉन की दी गई है, काफ़ी गजब का पूरा सेटअप, चेसी वगैरह आप देखिए एकदम बिल्ड क्वालिटी मजबूत है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 MT75 ये देखो पूरा यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा आप देखते हैं महिंद्रा, और यह पूरा टर्बो चार्जर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो इंजन आपको मिलने वाला है 2184 cc का इंजन रहेगा, जो कि भाई 4 सिलेंडर है, 2.2 लीटर का MHOK इंजन, 4 सिलेंडर, 6 गियर की गाड़ी है, और 130 bhp का मैक्सिमम पावर है, और टार्क है 300 Nm का, माइलेज आपको 16-17 देगी, गाड़ी बहुत ही तगड़ी है भाई। एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 17,41,801 रुपये है मीत एसोसिएट सुल्तानपुर में, और ऑन रोड कीमत की बात करें तो 20,30,000 अप्रोक्स है लगभग, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप कॉल करेंगे, एग्जैक्ट प्राइस जान सकते हैं। डाउन पेमेंट की बात करें तो 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट भर के आप इस कार को ले सकते हैं, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी का, सब कुछ आपको ओवरऑल बहुत ही बेहतर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।